मैं विनोद कुमार यादव जीपीसी अलवर। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अर्थ है जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटोइलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर उनको बैटरी से जोड़ दिया जाए तो उससे धारा प्रवाहित होती है, उसे फोटो धारा या प्रकाश धारा कहते हैं। जैसे ये कोई धातु की सतह है, धातु का कोई टुकड़ा है, उस पर निश्चित आवृत्ति के फोटॉन आपतित कर रहे हैं, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर रहे हैं। यहाँ मैंने एच न्यू ऊर्जा के फोटोन दिखाए हैं, न्यू आवृत्ति है। जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, एक मिनिमम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश आपतित करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। एक प्रकार से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसका प्रायोगिक व्यवस्था प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें एक क्वार्ट्ज या कांच की नली के अंदर दो धातु की प्लेटें लगा देते हैं। एक प्लेट एक सिरे पर पी, दूसरे सिरे पर क्यू प्लेट लगाई गई है। इस पी प्लेट के ऊपर निश्चित आवृत्ति के फोटोन आपतित करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्यू प्लेट की ओर कवरित होते हैं बैटरी से जोड़ने पर, इससे धारा प्रवाहित होने लगती है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को कम्यूटेटर से जोड़ देते हैं। दिक परिवर्तक कुंजी, उसमें हम दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर है, विभव विभाजक, इससे हम वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुंजी के लगी हुई है, ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव सिरा है, कम्यूटेटर है। दिक परिवर्तक कुंजी विभव विभाजक, यहां पर मिलीमीटर जोड़ा हुआ है जिससे हम धारा का मापन करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच वोल्ट मीटर भी लगाया गया है जो आरोपित वोल्टेज का मापन करता है। इस प्रायोगिक व्यवस्था के द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रवाह घटना का अध्ययन करेंगे। आपतित फोटॉन्स हैं,
सर्वप्रथम निश्चित आवृत्ति के फोटोन आपतित किए जाते हैं, जिससे धातु की प्लेट पी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जब क्यू प्लेट के ऊपर बैटरी के धन सिरे से जोड़कर धनात्मक ध्रुव लगाया जाता है, तो ये ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर, बैटरी के धनात्मक विभव की ओर आकर्षित होते हैं और प्लेट क्यू पर पहुंचने पर धारा प्रवाहित होती है, जिसको मिली एमीटर की सहायता से माप लेते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर वोल्टमीटर की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। दिक् परिवर्तक कुंजी की सहायता से प्लेट पी और क्यू पर लगाए गए विभव की ध्रुवता बदल सकते हैं। अभी इनको मैंने जोड़ के दिखाया है, बैटरी का धन सिरा क्यू प्लेट से जोड़ा गया है, ऋण सिरा पी प्लेट से जोड़ा गया है। इसकी हम दिशा भी बदल सकते हैं, बैटरी का जो धन सिरा है उसको पी से जोड़ सकते हैं अगर इन दोनों को जोड़ दें तो। ये दिक् परिवर्तक कुंजी कम्यूटेटर कहलाता है, इसको हम इंग्लिश में कम्यूटेटर भी कहते हैं, कम्यूटेटर। और ये पोटेंशियल डिवाइडर है विभव भाजक, इसको अगर हम आगे पीछे करते हैं तो लगाए वोल्टेज कम और ज़्यादा होता है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था है। सर्वप्रथम इसमें हम डाले गए प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन करेंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। आपतित प्रकाश प्लेट पी पर जो प्रकाश आपतित कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इसकी तीव्रता कम और ज्यादा करें, ज्यादा तीव्रता करें तो क्या होगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन प्लेट पी। प्रकाश की तीव्रता का क्या अर्थ है, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। एक सेकंड में आपतित फोटोनों की संख्या ज्यादा तो आपतित प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, अगर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या कम तो प्रकाश की तीव्रता कम होती है। प्रकाश की तीव्रता का अर्थ है प्रति सेकेंड आपतित फोटोनों की संख्या। यदि क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के अंदर स्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, तो जितने फोटोन डालेंगे प्रति सेकंड आपतित फोटोन ज्यादा होंगे, उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा उत्सर्जित होंगे। अतः आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने से प्रकाश धारा का मान अधिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश धारा आपतित फोटोनों की तीव्रता के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और इधर है ये प्रकाश धारा, प्रकाश विद्युत धारा। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी आपतित प्रकाश की तीव्रता होगी, उतनी ही प्रकाश धारा का मान भी ज्यादा होगा। ये समानुपाती का संबंध है, प्रकाश धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता में एक सीधी लाइन है, समानुपाती का संबंध है। जबकि प्रकाश धारा आपतित फोटोनों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, फोटोन की जो आवृत्ति है न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू, आवृत्ति बढ़ाने पर आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश धारा में समानुपाती का संबंध है, प्रकाश धारा का आवृत्ति पर कोई निर्भरता नहीं है।
इसमें विभवांतर दोनों प्लेट्स पी और क्यू के बीच लगाए गए विभवांतर पर निर्भरता है, विभवांतर पर या विभवांतर का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्रकाश धारा, प्रकाश विद्युत धारा और विभवांतर में अगर हम ग्राफ खींचें तो इस तरह का ग्राफ आता है, विभवांतर या प्रकाश धारा, प्रकाश विद्युत धारा। आइए ग्राफ खींचें तो ये इस प्रकार का आता है। ये हमारे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल, हिंदी में इसको कहेंगे निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस ग्राफ से पता चलता है कि विभवांतर का मान जब धनात्मक रखते हैं, जब दोनों प्लेट्स P और Q के बीच वोल्टेज Q को धनात्मक रखते हैं और P को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धनात्मक विभव की प्लेट Q की ओर आकर्षित होते हैं, त्वरित होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, वहां पर पहुंचकर धारा का मान बढ़ाते हैं। जैसे जैसे धनात्मक विभव का मान, Q प्लेट पर धनात्मक विभव का मान बढ़ता है, धारा का मान बढ़ता जाता है और फिर एक स्थिति आती है कि धारा का मान नियत हो जाता है, संतृप्त धारा हो जाती है, सैचुरेशन आ जाता है। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर प्लेट पी से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले थे, उत्सर्जित हुए थे, वो सभी प्लेट के ऊपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद धारा का मान नियत हो जाता है। कितना भी विभव बढ़ाओ, धारा का मान उसके बाद नियत रहता है, इसको संतृप्त धारा कहते हैं। दूसरी तरफ यदि कम्यूटेटर की सहायता से क्यू प्लेट को ऋणात्मक कर दिया जाए और पी प्लेट पर धनात्मक विभव लगाया जाए, यानी इनको मैं बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको तो पी से जोड़ दूं और जो नेगेटिव सिरा है उसको क्यू प्लेट से जोड़ दूं, तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस ऋणात्मक विभव की प्लेट क्यू से प्रतिकर्षित होने लगे, तो धीरे धीरे ऋणात्मक विभव बढ़ाने पर धारा का मान घटता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जिस विभव पर, ऋणात्मक विभव पर एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट क्यू पर नहीं पहुंचेगा, अतः धारा का मान, प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाएगा। उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस ऋणात्मक विभव पर एक भी इलेक्ट्रॉन क्यू प्लेट तक नहीं पहुंचता है, धारा का मान शून्य हो जाता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान जीरो हो जाता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो निरोधी विभव वी जीरो हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल यदि वी जीरो हो, तो इलेक्ट्रॉनों को रोकने में किया गया कार्य, कार्य बराबर अपने पास आवेश इनटू विभव, W इज इक्वल टू क्यू वी, उनको रोकने में जो ऊर्जा खर्च होगी, कार्य किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई वी जीरो, और अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम जो वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा उसकी मान लीजिए हमारे पास हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, तो ये जो किया गया कार्य है ई वी जीरो, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन तीव्रतम गति से, गतिशील इलेक्ट्रॉन भी प्लेट क्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव। यही निरोधी विभव की परिभाषा है कि वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएं तो ग्राफ इस तरह का आता है, संतृप्त धारा का मान तो बढ़ता है, संतृप्त धारा का मान तो तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, लेकिन निरोधी विभव उतना ही आ रहा है, इसका मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा
इलेक्ट्रॉन की उतनी है। इसका अर्थ क्या है कि जो निरोधी भाव है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी हमने, तीव्रता जो अपने पास है आपतित प्रकाश की तीव्रता बी ग्रेटर देन ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ गई, धारा तो बढ़ गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो उच्च इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है गतिज ऊर्जा अधिकतम उतनी है। इसका मतलब है निरोधी भाव या अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ेंगे तो इसी से नियम निकालेंगे। तो पहला तो हमारे पास था कि प्रकाश की तीव्रता जो अपने पास है उसके ऊपर प्रकाश धारा समानुपाती रूप से निर्भर करती है लेकिन आवर्ती पर नहीं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल या गतिज ऊर्जा जो अपने पास है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता आवर्ती पर निर्भर करता है। तो तीसरा जो हमारे पास है पॉइंट है वो है प्रकाश की आवर्ती पर निर्भरता। आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विभवांतर है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर वही प्रकाश विद्युत धारा, इधर ऋणात्मक वोल्टेज है इधर धनात्मक। अब हम अलग अलग आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं उसके अगर ग्राफ प्लॉट करें वो इस तरह के आते हैं। ये न्यूमन आवर्ती का ग्राफ है, ये न्यूटो आवृत्ति का ग्राफ है, ये न्यूथ्री आवृत्ति का ग्राफ है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, ये V02, ये V03, ये हमारे पास है आवृत्ति न्यूथ्री ग्रेटर देन न्यूटू ग्रेटर देन न्यू1। ये न्यूथ्री आवृत्ति का ग्राफ है, दूसरे वाला इससे नीचे न्यू2, और ये हमारे पास न्यू1 आवर्ती का ग्राफ है नीचे। तो जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती है न्यू1 से न्यू2 उससे भी ज्यादा उच्च आवर्ती का प्रकाश आपतित करें न्यू3 आवर्ती का, तो हम देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है, निरोधी भाव का मान बढ़ता है, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो उच्च इलेक्ट्रॉन है वो उसका मान बढ़ रहा है लेकिन संतृप्त धारा का मान नियत है। संतृप्त धारा तीनों केसेस में तीनों आवर्ती की स्थिति में समान आती है। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश धारा का जो मान है वो आवर्ती पढ़ने पर नहीं करता, आवर्ती पढ़ने पर निरोधी भाव का मान बढ़ रहा है, उनको रोकने के लिए अधिक ऋणात्मक भाव लगाना पड़ेगा यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। दूसरा जो ग्राफ है वो हम इस तरह से खींच करके देख सकते हैं, आवर्ती और स्टॉपिंग पोटेंशियल या अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह का आता है, एक सीधी लाइन आती है यानी समानुपाती का संबंध आता है, और इसको अगर पीछे की ओर प्रोड्यूस करें हम बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलता है ये, तो ये तो कहलाता है हमारे पास कार्यफलन, वर्क फंक्शन कार्यफलन फाइल, ऋणात्मक जो भाग है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है, अंतर खंड काट रहा है, और ये हमारे पास है U0 डेली आवर्ती, डेली आवर्ती U0, और ये कोण मान लीजिए हमारे पास थीटा है। तो यहां पर ये हमारे पास गतिज ऊर्जा या निरोधी भाव आवर्ती के साथ अगर ग्राफ खींचे तो एक समानुपाती का संबंध आता है, सीधी लाइन आती है। डेली आवर्ती की क्या परिभाषा है, डेली आवर्ती वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव
नहीं है डेली आवर्ती कहलाती है। इससे कम आवर्ती अगर प्रकार डालें तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे। दूसरा हमारे पास कार्य फलन। कार्य फलन क्या है? कार्य फलन की परिभाषा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन केवल सतह तक आए, उनका गतिज ऊर्जा जीरो हो, वेग जीरो हो, तो एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए आवश्यक होती है कार्य फलन कहलाता है। इस प्रकार डेली आवर्ती, कार्य फलन और निरोधी विभव, इनकी परिभाषा हमने समझी। प्रायोगिक व्यवस्था में हमने आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रयोग में हमने सभी चीजों का अध्ययन किया। इसी के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के चार नियम बनते हैं।